हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट इरफान याकूब और आज मैं आपके लिए लाया हूं मोस्ट मिस्टीरियस माउंटेंस इन द वर्ल्ड। दोस्तों, ये माउंटेंस बहुत ज़्यादा तादाद में दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन मैं सॉर्ट आउट करके लाया हूं आप लोगों के लिए पांच ऐसी बड़ी माउंटेन जिनके बारे में अजीबो गरीब सी मिस्ट्रीज हैं। टाइम ज़ाया करे बगैर नंबर वन पर आता हूँ, ये है डेविल्स टावर। डेविल्स टावर वाक्य है क्रुक काउंटी वायोमिंग यूएसए में। डेविल्स टावर अपने नाम की तरह मशहूर है, ना सिर्फ वायोमिंग के इलाके में बल्कि पूरे यूएसए में। दुनिया से यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी तादाद में आते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा मशहूर होने की वजह है इस पे बने गए बेयर्स के नाखूनों के स्क्रैचेस। अब ये बेयर्स के नाखूनों के स्क्रैचेस हैं, ये एक नेचुरल माउंटेन है। इसकी मिस्ट्री एक अनसॉल्व मिस्ट्री है जो आगे चल के मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले आ जाते हैं हम इस खत्ते के ऊपर। ये जिस जगह पर, जिस मकाम पर डेविल्स टावर वाक़ है, ये एरिजोना का बहुत बड़ा इलाका है जो इन्हीं पहाड़ी टीलों के ऊपर मुश्तमिल है। इस डेविल टावर का दूसरा नाम है बेयर लॉज ब्यूट्स। ये ब्यूट्स जो कि बड़ी बड़ी रॉक्स माउंटेन्स होती हैं, ये सिलसिला एरिजोना में मुख्तलिफ इलाकों में फैला हुआ है। यहाँ और भी मशहूर ब्यूट्स पाई जाती हैं, जैसा कि थम ब्यूट्स, मिटन ब्यूट्स और मिट्रिक ब्यूट्स। इसके अलावा भी छोटी बड़ी और भी बहुत सारी इधर ब्यूट्स वाक़ हैं, और कुछ उनमें से ब्यूट्स ऐसी हैं जिनकी अजीब सी मिस्ट्रीज हैं। ये डेविल्स टावर जहाँ अपनी एक हिस्ट्री रखता है, वहाँ इसकी एक मिस्ट्री भी है। मैं इसकी हिस्ट्री और मिस्ट्री दोनों आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आते हैं इसकी एलिवेशन पे। इसकी एलिवेशन है 5,112 फीट, जो कि बन जाता है तकरीबन 1,558 मीटर। ये डेविल्स टावर ब्लैक हिल्स का ही हिस्सा है। इस डेविल टावर से एसोसिएटेड बहुत सारी अर्बन लीजेंड और मिथ्स हैं, लेकिन दो यहाँ की जो पॉपुलर मिथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। नंबर वन मिथ इसके बारे में हमें मिलती है, इसमें कुछ लड़कियाँ होती हैं जो इस एरिया में जहाँ पर यह डेविल्स टावर होता है खेल रही होती हैं। कहा जाता है ये इसी पहाड़ी के ऊपर ही खेल रही थी, और ये कोई बड़ी पहाड़ी नहीं थी, एक छोटी सी रॉक, एक छोटा सा टीला था। कहा जाता है उस वक्त उनके ऊपर एक बेयर अटैक कर देता है। वो बेयर बहुत ज़्यादा खूंखार बेयर होता है और बहुत ज़्यादा ताकतवर बेयर होता है, जिसको देख के लड़कियाँ डर जाती हैं और अपनी जो उनकी प्रेज होती हैं वो करना शुरू कर देती हैं। कहा जाता है जब उन्होंने प्रे करना शुरू करी तो ये छोटा सा जो टीला था ये एक बड़ी माउंटेन बन गया, और ये लड़कियां उसके ऊपर पहुंच गईं। इस बेयर ने फिर भी इन पर अटैक करे। कहा जाता है जो ये स्क्रैचेज हैं ये उसी बेयर के स्क्रैचेज हैं। दूसरी जो मिथ है वो भी कबाइलियों से ही रिलेटेड है। ये कबाइली लड़के लड़कियाँ होते हैं जो उस मकाम पर, यानी कि डेविल्स टावर के आसपास कहीं घूम रहे होते हैं। इन पर भी सिमिलरली एक बेयर अटैक कर देता है। ये लड़के लड़कियां भागते हुए अपनी जान बचाते हुए इस माउंटेन पे डेविल्स टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं, और वो बेयर फिर भी नहीं छोड़ता, वो उनके पीछे भागता हुआ उन माउंटेन पे चढ़ने की कोशिश करता है। उन कबायली लड़कों के पास उस वक्त कुछ भाले मौजूद थे, उन्होंने उन भालों की मदद से, कहा जाता है, उस बेयर को नीचे धकेला और वो दूसरी जानब से आता, फिर वो उस तरफ भागते। सिमिलरली वो इसी तरह उनके पीछे भागता रहा और स्क्रैचेज मारता रहा इस डेविल टावर के ऊपर। तो कहा जाता है ये उसी बेयर के जो है स्क्रैचेज हैं। दोस्तों, जो इसके दो अर्बन लीजेंड हैं, ये बनाई हुई और मिथिकल अर्बन लीजेंड्स हैं। जो इसकी रियल स्टोरी है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये नेचुरल माउंटेन है जो नेचुरली इस तरह से वजूद में आई थी। दूसरे नंबर पर हम आते हैं, ये है माउंटेन बेन मैकडुई। ये बेन मैकडुई माउंटेन वाक़ है कैरी गॉम्स स्कॉटलैंड में। ये एक मशहूर माउंटेन है। कहा जाता है ये इस पहाड़ी सिलसिले की एक बड़ी माउंटेन है। इस पहाड़ी सिलसिले में और भी बहुत बड़ी माउंटेन्स पाई जाती हैं। ये एक आम से दिखने वाली माउंटेन के बारे में एक अजीब सी मिस्ट्री मिलती है जो मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करूँगा। इस माउंटेन की हाइट बताई जाती है 4,295 फीट, जो कि बनता है तकरीबन 1,309 मीटर। अब आ जाते हैं इसकी मिस्ट्री के ऊपर। इसकी मिस्ट्री के बारे में मशहूर ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाइंबर्स आते हैं, ना सिर्फ स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले बल्कि यूरोप से ताल्लुक़ रखने वाले क्लाइंबर्स भी यहाँ का रुख करते हैं। इसके अलावा भी दुनिया भर से यहाँ कुछ क्लाइंबर्स आते हैं। उन क्लाइंबर्स के मुताबिक यहाँ से काफ़ी स्टोरीज एसोसिएटेड हैं जो कि अर्बन लीजेंड ही है। जो यहाँ से मशहूर स्टोरी है उसमें एक ग्रे कलर का क्रिएचर बताया जाता है जो कि इस माउंटेन से रिलेटेड है। ना सिर्फ कहा जाता है वो इस माउंटेन के ऊपर दिखता है बल्कि अक्सर वो इस पहाड़ी इलाके में दूसरी जगहों पर भी नज़र आता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उसकी विजिबिलिटी, उसकी साइटिंग हुई है वो इसी माउंटेन बेन मैकडुई पर हुई है।
यहाँ पर जो हाइकर्स जो क्लाइंबर्स चढ़ रहे होते हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी मरतबा इस क्रिएचर को विजिबल देखा है। ये धुंध में डूबा हुआ एक माउंटेन सिलसिला है जिसमें हेलोसिनेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बड़ी अजीब सी मिस्ट्री है इस माउंटेन से रिलेटेड। इसके बारे में ना सिर्फ एक बंदे ने बल्कि कई क्लाइंबर्स ने ये क्लेम करा है कि यहाँ पर एक ग्रे मैन मौजूद है और वो ग्रे मैन हार्म नहीं पहुँचाता। देखने में उसका कहा जाता है वो एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर है जिसके कंधे बहुत चौड़े हैं, कद उसका तकरीबन 10 से 12 फीट बताया जाता है और कहा जाता है कि उसके पूरे जिस्म के ऊपर ग्रे कलर के बाल हैं और वो बाल भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। कुछ क्लाइंबर्स के मुताबिक उन्होंने वहाँ पर उस क्रिएचर को तो विजिबल नहीं देखा लेकिन उन्होंने दूसरी चीज़ें वहाँ पर एविडेंस करी, जैसा कि ग्राउलिंग की आवाज़ें जो कि उनके मुताबिक कोई क्रिएचर की ग्राउलिंग थी जो बड़ी अजीब सी आवाज़ में ग्राउल कर रहा था। कुछ के मुताबिक उन्होंने कदमों की आहटें अपने पीछे सुनी। धुंध की वजह से उन्हें कुछ नज़र नहीं आया लेकिन उन्होंने बताया कि वो आहटें वो आवाज़ें कंसिस्टेंट उनके साथ चलती रहीं। कुछ क्लाइंबर्स ने वहाँ पर बहुत बड़े कदमों के निशान देखे जो कहा जाता है कि इंसानी कदम से काफ़ी बड़े थे। इस ग्रे कलर के क्रिएचर को स्कॉटिश लैंग्वेज में एम फेयर लेथ मोर भी कहा जाता है और एक स्टोरी के मुताबिक इसको येटी फैमिली से भी तशबीह दी जाती है कि ये येटी फैमिली का ही मेम्बर है। येटी भी सिमिलर इसी तरह से इंसानों को इग्नोर करता है। जहाँ जहाँ उसकी साइटिंग हुई है इंसानों ने उसको देखा है लेकिन येटी ने हार्म नहीं पहुँचाया। एक ज़राए के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि ये एक बड़ा बियर है जिसके बारे में क्लाइंबर्स क्लेम करते हैं कि उन्होंने एक बड़ा क्रिएचर देखा है। इस बात के चांसेस हो सकते हैं कि कोई बड़ा बियर हो लेकिन आज तक वो बड़ा बियर कभी मंदर-ए-आम पर नहीं आया। ये भी स्कॉटलैंड की एक मशहूर और एक अनसॉल्व मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। दोस्तों तीसरा हम आते हैं रैम्बो माउंटेंस। ये रैम्बो माउंटेंस देखने में बड़ी खूबसूरत माउंटेंस होती हैं। ये वाकई हैं ज़ेंगी नेशनल पार्क प्लेन्स काउंटी सुजाने काउंटी चाइना में। ये एक नेशनल जियो पार्क साइट है जो कि 2019 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। ये बड़ी खूबसूरत सी केक लेयर्स की दिखने वाली मिस्टीरियस सी माउंटेन है जो टूरिस्ट की अट्रैक्शन की बहुत बड़ी वजह है। यहाँ कहा जाता है दिन रात टूरिस्ट का अंबार लगा रहता है। पूरी दुनिया से टूरिस्ट इस मकाम को इस जगह को देखने के लिए आते हैं। ये बड़े अनमोल से दिखने वाले अजीब सी एक माउंटेन रॉक्स हैं जो पूरी इस एरिया के अंदर फैली हुई हैं। ये कोई मिस्टीरियस इलाका नहीं है ना कोई ये इतना ज़्यादा मिस्टीरियस माउंटेन्स है। इसकी मिस्ट्री एक सॉल्व मिस्ट्री है जो हाल ही में सॉल्व हुई है। इसके बारे में कहा जाता है ये सैंडस्टोन पत्थर है जो मुख्तलिफ रंगों में यहाँ पर एक ही मकाम पर मौजूद है। ये और भी मकामों पर अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। किसी भी मकाम पर जो इसकी मिस्ट्री है वो ये है कि किसी भी मकाम पर ये पूरी दुनिया में एक साथ इस तरह देखने को नहीं मिलते। ये बड़ा मिस्टीरियस सा मगर बहुत खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है जो उस इलाके की मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है। दोस्तों चौथे नंबर पर हम आते हैं ये है कोई चिल्तान माउंटेन। ये वाकई है कोयटा बलूचिस्तान में। इसकी हाइट है 3,194 मीटर। ये सुलेमान माउंटेन रेंज में वाकई पहाड़ी सिलसिले हैं। इसमें और भी माउंटेन रेंज आ जाती हैं। ये तीसरे नंबर पर इस इलाके में सबसे बड़ी माउंटेन है। इसके अलावा जरगून घर और कोयटा लाटू भी जो है इधर की बड़ी पहाड़ियाँ हैं। ये सुलेमान माउंटेन रेंज वैसे ही बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस माउंटेन है। ये कोह चिल्तान इसकी सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस माउंटेन है। इसकी वजह एक अर्बन लीजेंड स्टोरी भी है और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हैं। कुछ लोगों के मुताबिक वहाँ पर एक अर्बन लीजेंड स्टोरी के करेक्टर्स वहाँ पर दिखते हैं जो कि बच्चे कहा जाता है। ये एक दो नहीं बल्कि पूरे 40 बच्चे हैं जिनकी ये अर्बन लीजेंड स्टोरी है। ये एक पॉपुलर अर्बन लीजेंड है जो कि पर्शियन टाइम से इस इलाके में मशहूर है। ये एक फैमिली थी जिसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। वो फैमिली एक बुज़ुर्ग एक संत के पास पहुँच जाती है और उससे जो है दुआ कराती है। वो संत दुआ करता है उसकी दुआ जो है कबूल हो जाती है और मिस्टीरियसली उनके यहाँ एक नहीं बल्कि 40 बच्चों की पैदाइश हो जाती है। अब ये टाइम पीरियड के हिसाब से बच्चे हुए या एक साथ हुए इसका इस स्टोरी में जिक्र नहीं है। जब वो 40 बच्चे हो जाते हैं तो वो एक पुअर फैमिली थी वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वो क्या करते हैं उन 40 बच्चों को इस कोह चिल्तान माउंटेन पे ले जाते हैं और उनको वहीं रख के अपने साथ एक बच्चा वापस ले जाते हैं।
39 बच्चे वो चिल्तान पर छोड़कर वो एक बच्चा ले गए और उसकी परवरिश करने लगे। लेकिन माँ बहुत उदास रहने लगी और उसने अपने शौहर से इस बात का जिक्र करा कि मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। शौहर भी जो है वो अपने बच्चों से मोहब्बत का जज्बा रखता था। उसने कहा चलो चलते हैं। वो अपने एक बच्चे को लेके कोए चिल्तान माउंटेन की तरफ गए। जब वो उस माउंटेन पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे तो जिंदा हैं और इधर उधर खेल भी रहे हैं। कुछ रॉक्स पे खेल रहे हैं, कुछ दरख्तों पे खेल रहे हैं। वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने जो है बच्चों को गौर से देखा तो उनको पता चला कि उन्हीं के बच्चे हैं। और अपने बच्चे पाकर उनको बहुत खुशी के साथ साथ बहुत उन पर प्यार भी आया। उन्होंने उनको गले लगाया, प्यार करा। और जो उनका भाई वो अपने साथ लाए थे वो उसने भी उनके साथ खेला। तो उन दोनों मियाँ बीवी के दिल में आता है कि क्यों ना अपना बच्चा भी जो है हम इसी माउंटेन पर रख के चले जाएँ। एक स्टोरी में बात मिलती है कि हम अपना बच्चा इस माउंटेन पर रख के चले, दूसरी स्टोरी में बात मिलती है कि वो बच्चे जो है वो उसको अपने साथ ले गए थे खुद ही। तो जब वो उसको वहाँ छोड़ देते हैं या वो बच्चे उसको अपने साथ ले आते हैं, अगले दिन आके माँ बाप उसको ढूंढते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई बच्चा नहीं होता। ये बड़ी मिस्टीरियस स्टोरी है। अभी मुझे वक्त मिला तो इसको पूरी तरह कवर करूँगा। कहा जाता है कि वो बच्चों की जो स्पिरिट्स हैं वो वहाँ नज़र आती हैं। इसके अलावा भी जो है वहाँ पर दीगर स्पिरिट्स नज़र आती हैं। और एक स्टोरी के मुताबिक एक बाबा जो है वहाँ पर दिखते हैं। कहा जाता है ऐसी स्टोरी वाले बाबा थे जिन्होंने इनको दुआ दी थी। और भी इस इलाके से एसोसिएटेड अजीब सी मिथ्स हैं। कहा जाता है इस पहाड़ी के पास गुजरने से भी जो है आवाज़ें आ रही होती हैं बच्चों के रोने की, चीखने की। अब ये मिथिकल स्टोरीज हैं, यानी कि इनके कोई पुख्ता सबूत तो आज तक नहीं मिले। काफ़ी लोगों ने वहाँ पर एक्सपीरियंस भी करे, लेकिन काफ़ी लोगों ने वहाँ पर नाइट स्टे भी करे, उनको ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस वहाँ पर नहीं हुए। दोस्तों अब आ जाते हैं लास्ट स्टोरी पर। यह है जेंग जियाजी माउंटेन्स पिलर्स। ये कोई बड़ी माउंटेन्स नहीं है, ये मुख्तलिफ जो है पिलर्स हैं जो एक एरिया में मुश्तमिल हैं। और ये अजीब से पिलर बिना किसी सपोर्ट के ज़मानों से खड़े हुए हैं। ये फॉरेस्ट का एरिया है और ये फॉरेस्ट के दरमियान ही जो है पिलर्स खड़े हुए हैं। इनको देखने से बाकायदा ऐसा फील होता है कि जैसे किसी ने ज़मीन में कीलें ठोकी हों। ये बड़ी अजीब से दिखने वाले पिलर्स हैं जो कि मिस्टीरियस भी हैं, मगर साथ ही यहाँ टूरिस्ट के अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी सिमिलरली रैम्बो माउंटेन्स की तरह बहुत ज़्यादा विजिटर्स आते हैं। और ये बड़ी मशहूर माउंटेन्स हैं जो काफ़ी बड़े रकबे पर फैली हुई हैं। 1992 में इन माउंटेन्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। ये माउंटेन मिस्टीरियस भी हैं और मशहूर भी। एक मशहूर मूवी है जिसका नाम है अवाटर, वो भी इसी मकाम पर फिल्माई गई है। इन माउंटेन्स पिलर्स पर आने के लिए एक चाइना ने ब्रिज भी बनाया है जो कि ग्लास ब्रिज कहलाता है और बहुत मशहूर ब्रिज है उस एरिया में। वो बहुत मशहूर ब्रिज है। कुछ विजिटर्स तो सिर्फ वो ब्रिज देखने के लिए ही आते हैं। इसके अलावा वहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत सारी लिफ्ट्स भी लगाई हैं उन माउंटेन्स को डिस्कवर करने के लिए और देखने के लिए कि वो ऊपर से कैसे दिखती हैं। बहुत सारे माउंटेन्स पिलर होने की वजह से टूरिस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। दोस्तों न जाने कितने ज़मानों से ये पिलर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। कई तूफान, कई जलजले और कई चीज़ें ये झेल चुके हैं। ये अजीब से पहाड़ी सिलसिले यूं ही खड़े हुए हैं बिना किसी सपोर्ट के। कहा जाता है कि फ्लोट भी कर रहे हैं हवा के अंदर। ये एक अजीब सी मिस्ट्री है और ये बड़े से मिस्टीरियस दिखने वाले पिलर्स हैं। दोस्तों ये पांच माउंटेन्स थी जो मैंने आपके लिए शॉर्ट आउट करी थी। इसके अलावा भी बहुत सी माउंटेन्स हैं जो बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज रखती हैं। कभी मुझे वक्त मिला तो पार्ट टू बना के उनको भी कवर करूँगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।